ने 15 सवाल जारी किए थे इस सरकार के लिए कि हरियाणा मांगे हिसाब। आज तक इन 15 में से एक भी सवाल का कोई जवाब भाजपा के किसी नेता द्वारा नहीं दिया गया है। बड़े सिंपल से हमारे प्रश्न है कि भाजपा की हरियाणा की सरकार बताए कि भारत सरकार के अनुसार, मोदी सरकार के अनुसार, देश में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2024 में हरियाणा में क्यों है। हरियाणा की भाजपा बताए कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है। देश में सबसे ज्यादा फिरौती, देश में सबसे ज्यादा अपहरण, देश में सबसे ज्यादा डकैती, देश में दूसरे नंबर पे हत्या दर के रूप में एनसीआरबी की मार्च की 2024 की रिपोर्ट क्यों बता रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में है। भाजपा की सरकार बताए कि ये जन विरोधी पोर्टल और आईडीओ के माध्यम से गरीब आदमी को कागजों में क्यों उलझाया गया, क्यों लाइनों में खड़ा कर दिया गया, जबकि ऐसे पोर्टल आईडी ना गुजरात में है ना दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में। भाजपा की हरियाणा की सरकार बताए कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई यानी कि वेट जो हमारे समय 8.9% था वो 17.1% कर दिया गया। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर हरियाणा में क्यों है। सबसे ज्यादा वेट और सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है। भाजपा की सरकार बताए कि भाजपा रिकॉर्ड समाज के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया, चाहे सारी ऐसी समाज और बैकवर्ड समाज को मिलने वाले संविधान के अंदर बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो अधिकार थे, जैसे पक्की सरकारी नौकरी और उसके अंदर आरक्षण के प्रावधान। आपने देखा होगा कि हरियाणा में पक्की नौकरियां समाप्त कर दी गई, केवल कच्ची, हरियाणा कच्ची नौकरियों का प्रदेश बन गया, केवल कच्ची नौकरियां लगाई जा रही, या तो 2 लाख पद समाप्त कर दिए, कच्ची नौकरी बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के लगाई जा रही है। 5 साल में मात्र 10,000 पक्की नौकरी हरियाणा में मिली, जिसमें भी बाहर के बच्चे, हरियाणा से बाहर के नौजवान ज्यादा भर्ती हो गए, बाकी तो नौकरियां जो निकली वो भर्ती घोटालों, पेपर लीक घोटालों और सीटी के में उलझ के रह गई। हरियाणा के युवाओं का शोषण किया जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा गरीब की सारी योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार में हुआ, चाहे 100-100 गज के प्लॉट की योजना थी जिसमें एससी और बीसीए समाज और बीपीएल के छत्तीस बिरादरी के पात्र परिवारों को लाभ कांग्रेस ने देने का काम किया था। ऐसी सारी योजनाओं को बंद करके एससी और बैकवर्ड क्लास और गरीब आदमी के अधिकारों को वंचित करने का काम सरकार ने क्यों किया, भाजपा सरकार ये बताए। और ये भी बताए कि खेलों में नंबर एक हरियाणा अब पंजाब से आगे निकलता हुआ नशे में नंबर एक हरियाणा कैसे हो गया। आज पंजाब से ज़्यादा पिछले 3 साल से ड्रग रिलेटेड ओवरडोज डेथ हरियाणा में आ रही हैं, पंजाब से भी आगे निकल गया हरियाणा। ये भाजपा सरकार को ये बताना चाहिए प्रदेश के लोगों को। और ये भी बताए कि हर वर्ग को सड़क पे क्यों लाया आना पड़ा। 500 स्कूलों में धरने हुए, देश में इतिहास बना, क्योंकि 5,000 स्कूल मर्ज या बंद हो गए थे तो 500 स्कूलों के आगे छोटे छोटे बच्चों ने धरने देने पड़े। हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे जाके अपने न्याय के लिए धरने देने पड़े। हमारे किसानों को एमएसपी के लिए धरने देने पड़े, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने देने पड़े, आड़तियों को धरना देना पड़ा, शिक्षकों को धरना देना पड़ा, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी को, सरपंचों और पंचायती राज के प्रतिनिधियों को धरने देने पड़े। और सभी धरनों की का जवाब लाठी चार्ज से दिया गया। तो ऐसी अनसुनी हर वर्ग की क्यों, और विकास की पटरी से तो उतर ही गया हरियाणा, वो आपके सामने है। तो ये हमारे 15 सवाल हैं और इन 15 सवालों को लेके हमारा अभियान है हरियाणा मांगे हिसाब। आज जींद भी मांगे हिसाब। जींद का जब उपचुनाव हुआ था आज से लगभग साढ़े पांच साल पहले, क्योंकि जनवरी में हुआ था, जनवरी फरवरी सर्दी का टाइम था, तो साढ़े पांच साल पहले बहुत बड़े बड़े शौच बाग दिखाए गए थे। 10 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ,
लेकिन जींद में बहुत बड़े सत्कार दिखाए गए थे सरकार द्वारा। आज क्या हुआ जींद में वो आपके सामने है। हर तरीके से दुर्दशा आप देख सकते हैं। जींद के अंदर आप अस्पताल से शुरू करें, जो 200 बेड का अपग्रेड करके हमारी सरकार में हुआ था, वहाँ आधे से ज़्यादा डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। आप यूनिवर्सिटी देखिए जो हमारी सरकार के समय बनी थी जींद में, यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादातर पद रिक्त हैं। आप जींद की सड़कों के हालात देखिए, वाटर सप्लाई का हालात देखिए, सफाई की परिस्थितियां देखिए, अपराध की पोजीशन देखिए, आज किस तरीके से अपराधियों के फिरौती रंगदारी के कॉल लगातार, केवल मैं जींद की बात, केवल शहर की बात का, आप सफीदों में देखिए, आप जुलाना में देखिए, पलायन करने में मजबूर हो रहे हैं व्यापारी। इतनी इस तरह से अपराध के साय में आज जींद चपेट में आ गया है। आप नौजवानों को देखिए किस तरीके से जींद जिले में कई गांव में नौजवान डोंकी के रास्ते बाहर मजदूरी करने की तरफ विवश हो गए हैं, अपने उधारी लेके घर बार बेचकर, कई नशे की चपेट में। हरियाणा में नौकरी मिलेगी इस बात को लेकर पूरी तरह निराश हो गया जींद का नौजवान, आप उस बात को देखिए। तो आज बड़े दुख की बात है, हरियाणा भी मांगे हिसाब और जींद भी मांगे हिसाब। इस अभियान को जो है आप लोग के माध्यम से हमारी बात भी आप पहुंचाना, सांसद जी ये हमारे प्रश्न है, इन प्रश्नों को जरूर आप पहुंचाना। सांसद जी, हमारे यहाँ जिप्सम की कंपनी थी, फैक्ट्री थी काफी सालों से, लेकिन 5.5 साल दौरान बीच में ही वो गुजरात चली गई है, उसको पलायन भी बोल सकते हैं। तो जो ये व्यवस्था बनी है भाजपा सरकार के दौरान, भविष्य में आपकी सरकार आती है तो उद्योगों के संरक्षण के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए क्या कुछ करेंगे जो ऐसे हालात ना? देखिए, आपने देखा होगा जब पिछली हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, तो बहुत से बड़े औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए थे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स IMTs, और चाहे वो मानेसर IMT एक्सटेंशन की बात हो, चाहे वो रोहतक IMT की बात हो, चाहे वो रोजगा मेव IMT की बात हो, खरखौदा IMT की बात हो, फरीदाबाद IMT की बात हो, अम्बाला में प्रस्तावित थी वो बन नहीं पाई थी, 6 IMT स्थापित की गई थी उस समय। तो इस प्रकार से जो औद्योगिक केंद्र हैं, और जींद तो हमारे हरियाणा का बिल्कुल सेंटर, जींद हमारे हरियाणा का दिल है, तो यहाँ पर एक बड़ा औद्योगिक केंद्र जींद में स्थापित आने वाले समय में करना एक प्रायोरिटी रहेगी। हम प्रयास करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में भी ये बात रहे। और ये बड़े दुख की बात है कि ये पलायन केवल यहीं से नहीं हो रहा, इंडस्ट्री का पलायन पूरे हरियाणा में, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए एक और बात है, अमन चैन शांति। आज हरियाणा में अपराध के साए में जो प्रदेश ले ये सरकार लेके आई है, वहाँ पर निवेश का वातावरण आप समझ सकते हैं कि जो परिस्थिति थी कभी उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे, आज बड़ी बड़ी कंपनियां, Fortune 500 कंपनियां गुड़गांव से ऑफिस शिफ्ट करें नोएडा, ऐसी स्थिति आ गई है। दुखी बात ईडी प्रकरण को लेकर क्या है? ईडी प्रकरण को लेकर जैसे पहले भी था कि अपने महेंद्रगढ़ से अब अपना सोनीपत में आ गए, इसका देखिए पिछले 5-4 दिन में जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है हरियाणा के कांग्रेस के अलग अलग नेताओं पर, विधायकों पर, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देशवासी देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लेके जाने के लिए किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मनोहर लाल सरकार के कई फैसले नायब सरकार ने बताए, जिसे सरपंचों की वित्तीय पावर बढ़ाने के मामले हों या प्रीमियम देयर की जो बिजली बढ़ाने की, ये आपका दबाव है या उस सरकार के गलत फैसलों को ठीक मुख्यमंत्री? ये इसमें मैं जवाब देता हूँ आपको, इसमें सही क्वेश्चन है, ये इसका जवाब देता हूँ। पहले दो पहलू हैं। पहला तो अभी जो ये फैसले सरकार कर रही है, ये फैसले लागू अगली सरकार ही करेगी, तो ये केवल घोषणा पत्र है इनका, लोगों को इनकी घोषणाओं पर विश्वास नहीं है, क्योंकि पिछली कोई घोषणा पूरी नहीं हुई, ना 9,000 बेरोजगारी भत्ता आया, ना 5100 बुढ़ापा पेंशन आई, ना हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ, ना पंजाब स्केल मिला, तो इनकी पहले की घोषणा पूरी नहीं हुई। अब ये घोषणा ही मानना, क्योंकि पूरा तो अगली सरकार करना है, मगर इन घोषणाओं में ये सरकार
पूर्णतः अपनी विफलता स्वीकार कर रही है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए हर घोषणा के साथ। मैं बताता हूं कैसे। नायब सिंह जी ने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खोलेंगे, यानी कि 10 साल तक बंद थे, अब 1 महीने के लिए क्या खोलोगे, और ये अब क्या खोलोगे, अब तो लोग ही खोलेंगे, लोग खोल के अंदर बढ़ेंगे, 10 साल तक बंद थे ये मानना। ऐसे ही लोकसभा की हार के बाद इन्होंने सोनीपत में जाके कहा कि हम 1000 परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट की पे कब्जे दिलाएंगे। माफी मांगनी चाहिए एससी समाज से, बीसीए समाज से, बीपीएल परिवारों से। हमारी योजना के अनुसार 4 लाख परिवारों को प्लॉट मिले, 10 साल तक इन्होंने बंद कर दी वो स्कीम, एक भी नए परिवार को प्लॉट नहीं दिलवाया। अब जाके कह रहे हैं कि हम कब्जे दिलवाओ, ये वो 1000 परिवार वो थे जिनको कब्जे नहीं मिले थे, तो यानी कि उसको भी हमारी स्कीम को ठीक माना, और ये अपना खुद स्वीकार किया कि 10 साल तक एक भी परिवार को प्लॉट नहीं दिलवाया। उसके बाद आपने देखा होगा बैकवर्ड क्लास के लिए कहा कि अब क्रीमी लेयर हम 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करेंगे। माफी मांगनी चाहिए कि पिछले 10 साल में आपने कितने बैकवर्ड समाज के नौजवानों के हकों से उनको वंचित रखा। अगर 8 लाख अब ठीक है, अब तो 8 लाख में नहीं भर्ती तो होगी नहीं, भर्ती तो होली सारी जो इनकी सरकार में होनी थी, उन भर्तियों में 6 लाख रखा क्रीमी लेयर, अब 8 लाख आपने रखने का काम किया, तो कितने बैकवर्ड समाज, यानी कि कांग्रेस जो कह रही है 10 लाख करेंगे वो ठीक है, बीजेपी ने 10 साल तक अन्याय किया ओबीसी समाज के लिए, ये भी मान ली। फिर इन्होंने कहा कि अग्निवीर, कि भाई अग्निवीर नौजवानों के भविष्य की असुरक्षा को देखते हुए उनको 2026 से सरकार में वो देंगे, यानी कि खुद मान रहे हैं कि अग्निवीर योजना हरियाणा के नौजवान के लिए सही नहीं है, उनका भविष्य असुरक्षित है। इनके जितने भी अब ये कह रहे हैं, ये जो घोषणाएं कर रहे हैं उसमें इन खुद अपनी मान रहे हैं कि 10 साल तक हमने अन्याय किया, और ये जो घोषणाएं कर रहे हैं ये तो घोषणावीर है। इनकी घोषणा आपको पता है, पहले मेरे को बताने की जरूरत नहीं, प्रदेश की जनता जानती है, इनकी घोषणाएं होती हैं 54 की ना, इनकी घोषणाएं होती हैं 10 रुपए की, और इनके काम होते हैं 54 के, इनकी इनकी घोषणाएं होती है 10 रुपए की, ये प्रदेश की जनता समझती है जो मैं कह रहा हूं, इनकी घोषणाएं होती हैं 10 रुपए की और इनका काम निकलता है 54 का। अभी नोटिफिकेशन आ जाए। दीपेंद्र जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी एक पदयात्रा निकाली थी, उसके बाद वो 10 साल सत्ता में रहे, अब दीपेंद्र हुड्डा जी भी उसी राह पर हैं, क्या मान के चले जनता की, जनता परिवर्तन के मूड में है? देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा का भविष्य बचना चाहिए, हरियाणा आगे बढ़ना चाहिए, और इस परिवर्तन आना चाहिए कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को बहुत नुकसान कर दिया, और उसी लक्ष्य को लेकर हम कदम बढ़ा रहे हैं। एक बार ये बहन जी रुक जाएंगी इसके बाद, ठीक है ये सवाल, ये ठीक है भाई, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो आप ठीक है आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। अब हमने हिसाब मांगा, उन्होंने कहा कि भाई कह तो दिया कि भाई एक एक पाई का हिसाब, मगर फिर दिया कुछ नहीं, और फिर वो ये कहा कि भाई हम हिसाब मांगेंगे, खुद ही मांगने लग गए। तो कहने का मतलब कोई एक काम बताने का नहीं है इनके पास, इनका एजेंडा वही है जो अभी कहा कि भाई इनका एजेंडा मुद्दों को भटकाना एजेंडा है, हम इन मुद्दों पर लाना चाहते हैं कि इन मुद्दों पर हरियाणा को विकास की पटरी से क्यों उतारा, क्यों इतनी हरियाणा में बदाली हुई, इन मुद्दों पे आप जवाब दें, मगर उस तरह के मुद्दे लाकर इधर उधर ध्यान भटकाने की प्रयास करते हैं, मगर हम ध्यान नहीं भटकने देंगे। एमपी साहब, आपका जो प्रोग्राम आज चल रहा है, तो शहर में जो है ना जगह जगह आपके होर्डिंग लगे, आपके नेताओं ने होर्डिंग लगाई, उस होर्डिंग में एक होर्डिंग लगा हुआ है कि ना भारी होगा ना व्यापारी होगा, सिर्फ होगा तो किसान होगा। मैं मानती हूँ कि किसान के बिना कोई भी सरकार ना बनती है ना गिरती है, लेकिन क्या इस तरह के संदेश से जींद में अभी अभी आपका एक व्यापारी सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, ये अब पता नहीं किसने क्या लगाना, पता होर्डिंग लगे आप देख लेना, तो उसके बारे में ये जिसने होर्डिंग लगाया है उसे आपके आपने आपने अगर किसी ने कोई कोई बात ऐसी तो हम संज्ञान में लेंगे। क्या है आपने खुद देखा, तो मैंने कहा ना कि इनकी
इनके घोषणाएं 10 रुपए की हैं और इनका काम चवन्नी का पाता है, ये घोषणा भी लोग हैं। जब हरियाणा में आते तो हुड्डा साहब को क्यों याद करते हैं? देखो मैं तो अब इसमें क्या देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं वो तो सारे ही करते हैं वो तो देखो प्यार तो सारे ही करते हैं। हम देखते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जी हों मनोहर लाल जी, चाहे वो बीजेपी के बाकी नेता हों, चाहे वो जेजेपी के नेता हों, चाहे वो जेजेपी के नेता हों, चाहे वो INLD के नेता हों, चाहे किसी पार्टी के तम सारे नेताओं, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, सबके निशाने पे हैं हम, कुछ तो हमें भी होगा दम। जींद के अंदर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय बना, बीजेपी सरकार में उसका कोई भी विकास नहीं हुआ, ना ही उसका विस्तार हुआ, ना ही उसको जमीन दी गई। क्या आपकी सरकार आने के बाद उसको जमीन मिलेगी, उसका विकास होगा, विस्तार होगा? जींद में जो विश्वविद्यालय है उस तो रणवीर सिंह विश्वविद्यालय को एक बड़ा रूप देना, उसका व्यापक विस्तार ही नहीं, केवल एरिया में ही विस्तार नहीं, क्वालिटेटिवली वो विश्वविद्यालय देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहुँचे, ताकि हमारे नौजवानों को विश्वस्तरीय शिक्षा अपने घर में मिले, दूसरी ओर विश्वस्तरीय रोजगार के अपॉर्चुनिटीज मिले, ये हमारे एजेंडा में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में होगा। साहब, मैंने जवाब दे दिया। सांसद जी, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, अच्छा परिणाम आया पूरे देश में, आप जो ये अब ये यात्रा निकाल रहे हैं उसका क्या परिणाम मानते हैं और कितनी सीटों पे? देखिए हमारा ये मानना है कि हमारा अभियान है और अभियान में बड़ा स्पष्ट है कि भाई भाजपा सरकार हिसाब दो, हरियाणा को हिसाब दो, हरियाणा मांगे हिसाब, हमारा अभियान हरियाणा हिसाब मांग रहा है। और हम भाजपा से कहना चाहते ये मुद्दे की जो बातें हैं इन प्रश्नों का जवाब दे और हिसाब दे, और ये जवाब अगर ये हिसाब नहीं देंगे, अगर ये हिसाब नहीं देंगे तो मेरा मानना है कि हरियाणा के लोग आने वाले चुनाव में इनका हिसाब चुकता करेंगे।